लोग हरा सकते हैं एंडर ड्रैगन को और बीट कर सकते हैं माइनक्राफ्ट को एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर एवरीथिंग इज स्टैक्ड। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इस वाले वर्ल्ड में एवरीथिंग विल बी स्टैक्ड। जब हम लोग एक ब्लॉक को तोड़ेंगे तो उसके अंदर से स्टैक्ड आइटम यानी कि 64 आइटम्स निकलेंगे। और क्या हम लोग एंडर ड्रैगन को इन चीज़ों से हरा सकते हैं? सो स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट, लेट्स बिगिन। तो गाइज, सबसे पहले तो इस गेम का मकसद यही है कि हमें वुड इस पर तोड़नी होती है, मगर ये वुड नॉर्मल वुड नहीं, इट्स 64। मानता हूँ अभी मैंने गेम लगाई है इसलिए मेरी गेम लैग हो रही है, सो सॉरी। ठीक है, स्टार्टिंग में होगी, आगे जाके ठीक होगी जैसा कि आप सबको पता है। तो सबसे पहले हम लोग वुड तोड़ते हैं और उसके बाद आगे जाके हम लोग सारा करेंगे। और यार गाइज, इस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा एपिक एडवेंचर्स होने वाले हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस वाली वीडियो बनाते हुए। और इतनी ज़्यादा वुड यार, यानी कि क्या मतलब। और हम लोग क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स बना लेते हैं ढेर सारी, और यहाँ पर सॉरी चलो यहाँ पर रख लेते हैं। एंड वी हैव टू मेक सुपर स्लो वुडन पिकैक्स एंड लेट्स फाइंड स्टोन। सबसे पहले फ्रेंड निकालते हैं यहाँ से और फिर जाते हैं स्टोन माइन करने के लिए। तो यार यहाँ पर मैं एक स्टोन तोड़ लेता हूँ एंड लेट्स मेक सम सुपर स्लो स्टोन पिकैक्स। वर्णन बनाते हैं उसको तोड़ के, 64 कर लेंगे, सबको 64 है यार, नो टेंशन। वी आर ऑन क्रिएटिव मोड, यानी कि सर्वाइवल ही है बट आसान है इसमें बहुत ज़्यादा। 64 स्टैक्स में खेलना बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, पर अगर हम इसमें किसी जानवर को मारेंगे तो तब हमें 64 आइटम मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। और अब हम लोग जाते हैं आयरन की खोज में। यार मैं काफ़ी देर से आयरन ढूंढ रहा हूँ पर मुझे आयरन नहीं मिल रहा, तो लेकिन मुझे ज़रूर मिल गया पीछे की तरफ वो बैक साइड पर, अभी मैं दिखाता हूँ। और यार मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं एपिसोड में मेरी स्किन, आप लोग कह रहे हैं चेंज नहीं होती है, तो स्किन यार मेरी लास्ट भी चेंज होगी, क्योंकि यार पता नहीं क्यों पर मुझे स्किन चेंज करने का बड़ा माइनक्राफ्ट में मज़ा आता है। और ये वाली स्किन भी अच्छी लगी बट मैं वो हीरो ब्रांड वाली अब से रखूँगा। और हमें विलेज मिला और इसके अंदर आए अपने खाने का वो कर लेते हैं हम लोग। तो यार अब मैं विलेज के अंदर तो पहले खा रहा हूँ ब्रेड 64, इस सबसे हम लोग बनाएंगे वीट एंड देन आई विल मेक सो मैनी ब्रेड्स के मेरे खाने का जुगाड़ इधर ही हो जाएगा। तो गाइज़ यार अभी मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया हूँ। मैं आप लोगों को कभी कभी किसी दिन तरीका डायमंड्स को ढूंढने का बताऊँगा, यानी कि अगर आप लोग माइनिंग कर करके थक गए हैं तो मैं आप लोगों को डायमंड्स ढूंढने का तरीका बताऊँगा, पर पहले इनको करो क्योंकि ये डेंजरस भी हैं, आपको पता है। तो यार मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो डायमंड्स का बहुत ज़्यादा एक आसान फाइंड करने का तरीका है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्या पता इस पर ना बता सकूँ, लेकिन आगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा क्योंकि मैं सॉरी रिकॉर्ड नहीं पढ़ कर पाया। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नीचे डिग डाउन करना है और जब तक हमें डायमंड नहीं मिल जाते तब तक हम लोगों ने नीचे ही डिग डाउन करना है। तो यार अभी मैं काफ़ी ज़्यादा देर से नीचे कर रहा हूँ, देख लें आप, ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी डायमंड्स। आप लोग स्वाप हट से भी डायमंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं और आप लोग रिवर्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को अगले माइनक्राफ्ट के बीटिंग एपिसोड में, बीटिंग यानी एपिसोड नहीं, यानी कि जब हम लोग अगली दफ़ा माइनक्राफ्ट को बीट करेंगे तो तब मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मेरे लिए इतने डायमंड्स सही हैं क्योंकि ऊपर मैंने अब जाना है, तो जाकर मैं ब्लॉक ऑफ डायमंड बनाऊंगा जिससे हम लोग अपना आइटम स्टैक कर लेंगे। एंड देन गाइस आप लोग नहीं जान सकते कि हम लोग डायमंड से कवर हो जाएंगे। तो अभी यार मैं यहाँ पर एक डायमंड का ब्लॉक क्राफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको ये कर लिया। और 64 इस वजह से भी आ गए हमारे पास क्योंकि स्टैक्स हैं,
तो अभी मैं यहाँ पर सबसे इनको पानी बल्कि तोड़ ही देता हूँ नीचे ही गिर जाए। यहाँ पर डायमंड का ब्लॉक प्लेस किया और ये तोड़ा और ये पूरा स्टैक, एंड नाउ हम लोग माइनक्राफ्ट के गाइस हम लोग एक सही अमीर एंड प्रो मैन बन चुके हैं, यानी कि अब हमें हरा नहीं सकता कोई। आई नो इट्स अ शोधी, बट सारे अपने आयरन के टूल्स फेंको, सारा आर्मर फेंको। मैं अपना एक आर्मर क्राफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एक चेस्ट प्लेट और एक ब्रैगिंग, दो दो है इसलिए दो दो करके क्राफ्ट कर रहा हूँ मैं। और एक लोगे जी लेगिंग एंड वन हेलमेट, हेलमेट एक बाकी डायमंड्स फेंक। नहीं, अभी टूल्स भी तो बनाने हैं। और ये यहाँ पर सबसे पहले क्या है वो बना लेते हैं हम लोग एक्स के लिए। यहाँ पर एक को बाद में डाल देंगे और यहाँ पर एक ये डाल देंगे। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा यार दूर आ गया हूँ और यहाँ से मेरे ख्याल से मुझे नीचे डिग डाउन कर लेना चाहिए इधर से, क्योंकि यहाँ से ही वो डायमंड। तो हम लोग अभी लावे की खोज में जाते हैं क्योंकि अब मैंने अभी जाना है नेदर में। तो फिर अभी मैं लावा नीचे अंडरग्राउंड हम लोग डिग डाउन करके ढूंढते हैं, ठीक है। और इसको चारों साइडों से कवर कर दूं ताकि इसके अंदर कोई ना आ सके, पानी यानी कि ना आ सके। और ये और को तोड़ो तोड़ो और यहाँ से नीचे जाकर मैं लावा फाइंड आउट करता हूँ। तो अभी मैं नीचे तो जा रहा हूँ बट अभी तक कोई केव नहीं आया। ये चेस्ट किस चीज़ की है? एक सेकेंड, यार ये तो रूइन पोर्टल निकल आया है, इसका मतलब हम लोग ऑब्सीडियन से कर सकते हैं। तो प्रीमियम फूड भी हमें मिल गया, गोल्डन कैरेट्स जो कि मैं बिल्कुल रखने वाला हूँ। क्ले को फेंक दो। फ्लिंट नहीं चाहिए, पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। फायर चार्ज नहीं चाहिए, बल्कि छोड़ो जो भी है। और एक आयरन की मैं वो ले लेता हूँ क्योंकि मुझे फ्लिंट चाहिए। फ्लिंट एंड स्टील ये रखा, और ये और एक फ्लिंट एंड स्टील और इसको करो और आयरन किया बाहर में। तो अभी मैं सबसे पहले एक ऑब्सीडियन तोड़ता हूँ। तो हम लोग अपने एंड पोर्टल से, नेदर पोर्टल से बाहर तो निकल आए, काफ़ी मुझे वो हो गया। और अगर आप लोग सोल सैंड पे चल नहीं सकते, यानी कि आप लोगों को उलझन होती है, तो आप लोग इस तरह पार्कोर करके भी चल सकते हैं, ठीक है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। बट अभी मैं नहीं करना चाहता, बस ये आखिरी है, क्योंकि यार ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि मैं एक ऐसी प्रैक्टिस पे खेल रहा था तो मेरा बंदा लावे में गिर गया। एंड देन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया क्योंकि मैंने गलती से ग्रेवल पे रख दिया था। तो यार इधर उधर चारों तरफ कुछ भी नहीं है, यानी कि ये अजीब सा मेरा स्पॉन है और मुझे कुछ भी नहीं यहाँ पे समझ आ रही। यार अभी मैं अंदर घुस गया हूँ कि क्योंकि एक वजह यहाँ पर वो, यार वो सामने वो घास है, मुझे इससे आगे जाना है। और ये घास की बच्ची नहीं मुझे करने दे रही। एक काम करता हूँ, छुपके से इसको मैं रिटर्न द सेंडर वाला इससे वो ले लेता हूँ टास्क, ठीक है, वो सॉरी एडवांसमेंट। तो अभी ऊपर जाते हैं, तो अभी घास करता हूँ, मारो 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 रिटर्न द सेंडर वाला हमें मिल गया। यार सही में मुझे नहीं समझ आई कैसे इतना ज़्यादा करीब से कैसे मिल गया। अब हम लोग यहाँ से ऊपर जाके फोर्ट्रेस ढूंढते हैं। तो यार अभी मैं यहाँ से ऊपर ही चढ़ रहा हूँ लेकिन ये अटक रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ से अब हम लोग बाहर निकल जाते हैं और अब हम लोग मैं जाकर ढूंढता हूँ और जूम इन करके देख लेते हैं। गाइस वो ब्लेजेस, आई थिंक सो इट्स अ फोर्ट्रेस, अगर मैं गलती भी नहीं हूँ। अल्लाह फोर्ट्रेस ही हो यार, ऐसा फोर्ट्रेस ही है। गाइस यार मैंने फोर्ट्रेस ढूंढ लिया, यार सही में मुझे दिल से आज खुशी हो रही है। ओपी एग वाले उसमें नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा खुशी जितनी इस पर हो रही है। ना पूछे यार मैं इस पर कब से ख्वार हो रहा हूँ। मैंने क्या नाम है वीडियो कट बार बार मैं बीच में करूँगा वरना बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगे। टेरिबल फोर्ट्रेस, शुक्र है यार क्या किए। चलो ओह विदर पड़ गया, विदर 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 मारो 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 मारो। तो यार अब मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लेज रॉल भी कर लिए, तो मेरे पास इतने सारे रेस्टोरेंट नहीं है। अभी जब इन मैं छुप के जिन्हें मारे, और अभी क्या मैं आप लोगों को ना एक दोस्त की एक ट्रिक, इनके इनका ट्रैप,
जब इनके ऊपर आग लग जाती है ना, अभी जिस तरह से आग है इसका मतलब ये लोग फायर बॉल छोड़ने वाले हैं, और अगर इन पर आग ना लगी है तो इसका मतलब ये फायर बॉल छोड़ने वाले हैं, इसका मतलब ठीक है। तो इसी का फिर फ़ायदा उठा के मारो, मुझे अभी ये बात बता देती है, पता नहीं कैसे काफ़ी सालों में मैंने बताया। तो मारो 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 यार, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास फायर है ना, अगर मेरे पास वाटर प्ले कर सकते हो करना तो मुझे ओके गाइस लेट्स गो एंड किल ऑल द ब्लेज़र्स। तो गाइस यार काफ़ी सारे ब्लेजर्स को मारने के बाद मैंने ट्रेडिंग की, जो कि मैंने नहीं रिकॉर्ड किया यार, क्योंकि प्लेंटी ऑफ टाइम यार मुझे घंटे से ज़्यादा हो गए इनके साथ ट्रेड करते हुए, बट ये सिर्फ इन्होंने 16 और 6 दिए हैं मुझे, लेकिन मैं थोड़े से ज़्यादा इनसे लेना चाहता हूँ, बट यार अभी ये नहीं दे रहे तो फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि यार मैंने घंटे की इनके साथ सही में ट्रेडिंग की है, लेकिन ये एक एंडर पर्ल भी देते हैं ऐसी की तैसी है इनकी, नहीं दे रहे हैं, यानी कि दे ही नहीं रहे, वो होता है ना कोई, लेकिन नहीं दे रहे। तो अभी यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा लंबा सा पोर्टल बना लेता हूँ एक, ठीक है, लंबा सा अमीर जो है, ठीक है। और यार नेदरराइट मैंने सोचा था कि अगर हम लोग ले लें तो फिर, लेकिन यार पता नहीं क्यों मैंने नहीं किया, मैंने बोला टाइम वेस्ट होगा माइनिंग, यार TNT नहीं मिले ना, वो डेजर्ट टेम्पल मिल जाता तो मैं कर लेता। तो अभी मैं इसके अंदर चल लेता हूँ होटल के, और लॉस एक्सपीरियंस, लेकिन जाने से पहले एक आग लगा कर जाता हूँ। अब भागते हैं मुझे यहाँ से उससे पहले, क्योंकि हमें आग की मार ना दे। तो मैंने उस तरफ फेंकी है तो वो बॉल उस तरफ जा रही है, वो सॉरी आया फेंडर। तो अब हम लोग भागते रहते हैं उसी तरफ जाते हैं फुल स्पीड में, और अब ये हेलमेट शेलमेट सब कुछ फेंको, क्योंकि अब मेरे किसी काम के नहीं है। तो अब मैं एंड फोर स्ट्रॉन्ग होल्ड को हम लोग अब अपने फाइंड करते हैं, एंड देन बीट द एंडर ड्रैगन, ये मेरा लास्ट मिशन है, और हम लोग माइनक्राफ्ट फिर से बीट कर लेंगे। गाइस मुझे सामने एक और रुइंड पोर्टल मिला है, तो अब हम लोग पार्क और करके जाते हैं, जो कि मेरे से अभी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है, मजाक करो यार, हो रहा है वो, मैं नीचे बाजू का बंदा गिर जाता है ना, तो चेस्ट खोल के देखते हैं। ओ गुड, नाइस लूट थी इस खुली चेस्ट में, क्योंकि इसमें प्रीमियम फूड था, प्रीमियर होता है प्रीमियम होता है मुझे नहीं पता, और गोल्ड का ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब इस साइड पर एक बोट बनाते हैं, वो बनी हुई है सॉरी, और यहाँ पर लेकर जाते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड, ओ डायरेक्शन बदली है, इसका मतलब कि अब नीचे जाना है। तो गाइज अब मैं एंड में आ गई हूँ, सो सॉरी, बट यार मैं क्या करूँ, काफ़ी मैंने पार्ट भी दिए और सब मेरे दिमाग में है, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि मैं पार्ट्स में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि लगातार यार करूँ ना तो यार फिर मेरी स्पेस का इशू हो जाता है, तो आप लोगों को जैसे पता, तो मैंने वो भी बना ली थी, तो यार पक्का रिकॉर्ड करूँगा स्ट्रॉन्ग होल्ड से एंड तक, ठीक है। तो अभी हम लोग ये किस तरह जो टेलीपोर्ट करके जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों बट जाते हैं, क्योंकि यार आज मेरे से सही में नहीं खेलने, और आज वैसे भी मैं माइनक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा तरह दिल से भर के खेलती हूँ, बट फिर भी मैं मुझे बीट करते हुए जितना ज़्यादा मज़ा आता है मैं तब उतना मुझे क्रिएटिव में भी माइनक्राफ्ट में नहीं आता। तो मुझे सारे पीछे फाड़ते हैं, कई ड्रैगन ने नीचे पहुँच के आ जाते हैं, वहाँ पर जाकर के मेरे बैटरी से उससे मारेंगे, ठीक है, चलो अच्छा हो गया, ड्रैगन उड़ गया, मार मैं ड्रैगन, देखो तुम नहीं मेरे से आज बच पाओगे, आई एम ओवर पावर्ड, OPS में बोल रहा था लेकिन इस पर भी ओवर पावर्ड हूँ, और ये भी एंडर ड्रैगन आएगा तो मैं इसे भी यहाँ पर छोड़ूंगा, ठीक है, यहाँ पर वाइट बैट एक और हाथ पे उठा लेता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ, अब एंडर ड्रैगन का नीचे पर्च करने का वेट करते हैं। तो गाइस नीचे पर्च करें, मैं इसके लिए जाल पूरा बिछा कर बैठ गया हूँ, बैट फाड़ना है जिससे मैं भी उड़ गया, क्योंकि ड्रैगन ही आज बचेगा, और ये बर्ड ने इतना हाई, ड्रैगन की जान भी गई है थोड़ा गई है, और मैंने MLG भी कर लिया जिससे मैं एक्सपर्ट हूँ, और अभी पास जाते हैं और ड्रैगन को फिर से वेट करते हैं, मैं ये आग शाग बिठा दूँ, ठीक है, ये आग लगा सकती है, फायर इज़ टू मच डेंजरस, तो अभी जाकर मैं वापस से एक बैट रखता हूँ, एंडर ड्रैगन का हम लोग फिर से वेट करते हैं। एंडर ड्रैगन यार फिर से आ रहा है, मैं यहाँ पर एक बैट रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक
हो गया, पता नहीं किधर चला गया। अभी सेव एंड पुट टाइटल करके वापस जब लगाऊंगा तो फिर मेरा पानी आ जाएगा। की जान भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो गाइस यार मैं पानी ले आया हूँ, ठीक है। वो मैंने लॉग आउट कर, वो सेव एंड पुट टाइटल करके, तो जब आप वापस लगाते हो तो फिर आपका हो जाता है। तो एंडर ड्रैगन को अभी हम लोग निशानेबाजियों से मारते हैं, पर यार ये बहुत ज़्यादा दूर है तो इसीलिए इस बीच बीच में सिर्फ लग रही है। तो अभी हम लोग एंडर ड्रैगन का वेट करते हैं, अगर ये नीचे आएगा तो इसे बेड से इतने ज़ोर की मारेंगे और मेरे पे इफेक्ट लग गया है ग्लोइंग वाला, मेरे पे ही मेरा तीर गिर गया, मैं ग्लो कर रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, ताकि एंडर ड्रैगन को भी उसका दुश्मन नज़र आना चाहिए, यानी कि उसका दुश्मन मैं हूँ ना, तो उसे मैं नज़र आना चाहिए। तो अभी यार मैं इधर आ गई हूँ क्योंकि एंडर ड्रैगन वापस से पर्च कर रही है, तो कर रही है ये कर रहा है पता नहीं यार, इस एंडर ड्रैगन की नहीं अपनी सेफ्टी। और इतना दूर जिसने मुझे तो नया नंबी करके, और यार अब मैं आपके पास जाता, इसके पास जाता हूँ और ये यहाँ पर रखा। ओ यार इसको मार दिया, यस, और ये नीचे आया और ये मैं वापस से बच गया। और अब एंडर ड्रैगन के पास में आता हूँ, ये यहाँ से इसको मार दिया, नुकसान हो जाएगा मेरा, बस इसको कुल्हाड़ी से मारते हैं। नहीं यार यहाँ से इसकी काम करता हूँ, गड्ढे में पास यार, अब इसके वापस आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। नीचे आ रही है गट्टी मारते हैं, तो मार सकता हूँ। और यहाँ पर जल्दी से जल्दी वो डैमेज मिला, बट इतना ही मिला जितना मैंने सोचा था। तो आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़। और अगले कंटेंट के लिए भी मैं इसी तरह की वीडियोस लाया करूँगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइस। और बस आज के लिए इतना ही था, तो फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।